साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर कितने युवा साथी हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियों के लिए एग्जाम देके आए हैं और जानकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ महीने बाद वो पेपर लीक हो गया। यहां पर कितने युवा साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया? सभी पंडाल में लोगों ने हाथ उठा रखे। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ सिर्फ सरकारी नौकरी देने के नाम पर मजाक और खिलवाड़ करते आए हैं। तभी साथियों, पिछले 10 सालों में आज यहां पर युवा 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ये नहीं कि ये नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि सर भारत सरकार में नौकरियां नहीं है, भारत सरकार में पद खाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि यहां पर केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा, और वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, रोजगार का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये 30% की जो संख्या है वो कितनी बड़ी बन चुकी है। साथियों, गुजरात की ये खबर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश से ये खबर है कि 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। साथियों, अगर सिर्फ 3,500 नौकरियां निकली तो उसके लिए 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। रोजगार और बेरोजगारी का क्या हाल है वो इन्हीं आंकड़ों से समझ आता है। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो वो आप लोगों का ध्यान किस तरीके से भटकाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों, ये पिछले कुछ महीनों से सीना चौड़कर आप लोगों के बीच में मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आप लोग ही बताइए साथियों, जब 2014 में ये हम सबसे वोट मांगने आए थे, जब ये जनता से वोट मांगने आए थे, तो उन्होंने वादा मुफ्त में राशन देने का किया था या सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का किया था? आप बताइए साथियों, किसका वादा किया था? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।